हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल के द्वारा दिए जाने वाले पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, यूं तो आपको लोन के लिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिल जाएंगी, बैंक्स मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाटा कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, जहां से लोन लेना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है और बहुत दिनों से ये फाइनेंस के बिजनेस में है। टाटा का नाम किससे छिपा हुआ है? सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी से, टाटा कैपिटल से लोन किस तरीके से आप ले सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आखिर इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट पे आपको ये लोन मिल सकता है। ये सारी बातें जानने के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आपको टाटा कैपिटल के द्वारा दी जाने वाली लोन की सारी डिटेल देते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और यहां आपको बताने वाले हैं टाटा कैपिटल से मिलने वाले पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां दो तरीके से आपको लोन मिलने वाला है। जो पहला लोन है वो है इंस्टेंट, मतलब तुरंत ही आपको विद इन 5 मिनट अप्लाई करते ही लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसके तहत आपको केवल 1.5 लाख तक का ही जो लोन है, इंस्टेंट लोन, वो यहां पर मिल सकता है, जो कि केवल 2 मिनट के अंदर आपका अप्रूव हो जाता है और विद इन 5 मिनट आपके अकाउंट के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये लोन मिलने वाला है। और दूसरे तरीके से जो आपको लोन मिलने वाला है उसकी लिमिट यहां पे 35 लाख तक की हो सकती है। जी हां दोस्तों, 75,000 से लेके 35 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। जो लोन यहां पे आपको 6 इयर्स तक के लिए मिलता है, जनरली जो पर्सनल लोन का टेनर होता है वो होता है 5 इयर्स, लेकिन आप यहां 6 इयर्स तक के लिए लोन ले सकते हैं। जो इसका इंटरेस्ट रेट होने वाला है आप यहां पे देख सकते हैं 10.99% से स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा लोन लेते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट है वो क्या होने वाला है। जनरली ऐसा माना जाता है और ऐसा ही बैंक करता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे यहां पे लोन मिल जाता है, और लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर अगर खराब है, कम है, तो यहां आपका इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आखिर आपको ये लोन क्यों लेना चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं ये लोन आप मल्टीपर्पज यूज के लिए ले सकते हैं, मतलब ये कि किसी भी तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती पर्सनल लोन पे। आप इसको जहां चाहें, जिस तरीके से चाहें, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कोई भी कोलेटरल या सिक्योरिटी आपसे नहीं ले रहा है। आगे आप देख सकते हैं यहां आपको टाटा कैपिटल से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। आगे आप देख सकते हैं कि 0 प्रीपेमेंट चार्जेज यहां पे आपके लगने वाले हैं, मतलब आप जब लोन लेते हैं तो उसके 6 महीने बाद जब भी आप प्रीपेमेंट करते हैं, कोई ईएमआई है उसको आप एडवांस में ही भरना चाहते हैं, अपने लोन का कोई अमाउंट है उसे आप एडवांस में ही पे करना चाहते हैं, तो यहां आपको किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इस लोन के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कोई भी सैलरी इंडिविजुअल्स, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी सैलरी 15,000 रुपए है केवल, वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे हम बात करें तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा को एप्लीकेंट होना चाहिए, को साइनर होना चाहिए जिसकी सैलरी कम से कम 15,000 रुपए हो, तो उसके साथ ज्वाइंटली आपको ये लोन का अमाउंट मिल सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहां पे कि अगर आप रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं, अगर आप अपने जॉब से रिटायर हो चुके हैं और अगर आपको पेंशन मिल रहा है, अगर वो मिनिमम 15,000 भी है, तो यहां आपको ये लोन मिल जाता है। दोस्तों, जैसा कि टाटा कैपिटल की वेबसाइट पे बताया गया है यहां पे कि आपको ये लोन लेने के लिए आपका जो एज है वो 22 ईयर से लेके 58 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। साथ ही जैसा कि अभी मैंने बताया कि यहां मिनिमम आपकी सैलरी 15,000 होनी चाहिए, और आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आपको वो जॉब जो भी आप कर रहे हैं वहां वर्क करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप उस जॉब में कम से कम 1 साल से बने हुए हों तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उसके लिए भी सेम कंडीशन आपको फॉलो करना है।
एक्स्ट्रा यहाँ पे अलग से अदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सब हम बात करते हैं कि इस लोन को लेने के लिए आखिर किस तरीके की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आपका आधार कार्ड हो सकता है। उसके बाद से आपकी इनकम प्रूफ की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है, जिसमें कि आपको कम से कम लास्ट 6 मंथ का जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको देना पड़ता है। इसके साथ ही आपको अपना लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप भी यहां पे देना पड़ता है। और उसके बाद से एज यू नो कि आपको केवाईसी के लिए अपना एड्रेस प्रूफ देना ही पड़ता है, जहां पे एज पर टाटा कैपिटल की वेबसाइट पे जैसा दिया हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट या अदर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए लीगल होता है, आप उनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। इजीली जहां भी आप जॉब कर रहे हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है ये सर्टिफिकेट आपको दे देता है, वो अपने जो लेटर पैड होता है उस पे लिख के केवल दे देता है, नीचे उसका स्टैंप होता है कि हाँ ये पर्सन हमारे पास कम से कम 1 ईयर से जॉब कर रहा है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो देने पड़ते हैं। साथ ही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन इन सारे ऊपर के जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहां पे बताए हैं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपना बिजनेस प्रूफ देना पड़ता है। बिजनेस प्रूफ में मतलब कि आपका जो बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है या अदर कोई GST रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है या अदर कोई भी डिटेल्स, जैसे मान के चलिए आपने अपने दुकान का कोई रजिस्ट्रेशन कराया, इस तरीके का कोई भी प्रूफ बैंक आपसे मांग सकता है। यहां पे जो टाटा कैपिटल है ये आपसे मांग सकता है और आपको वहां पे देना पड़ सकता है। चलिए अब हम एक बार कैलकुलेट करके EMI देखते हैं कि अगर हम 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो हमारा EMI यहां पे कितना बनने वाला है। सो ये देख सकते हैं हमने 5 लाख रुपीस यहां पे डाला है और अगर 5 लाख रुपीस को हम यहां पे 72 मंथ्स के लिए ले रहे हैं, मतलब 6 इयर्स के लिए ले रहे हैं, सो फ्रेंड्स हमारा यहां पे EMI बन रहा है 9,514 रुपीस। फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको बता दूं कि यहां जो इंटरेस्ट रेट है ये डेविएट होता रहता है, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है या इतना भी हो सकता है। फ्रेंड्स अब चलिए हम मैं आपको बताता हूं कि आखिर आप इस लोन के लिए टाटा कैपिटल की वेबसाइट पे या इसके एप्लीकेशन पे जाके किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी है, उसके थ्रू भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूं। इसके बाद से साथ ही मैं आपको मोबाइल से व्हाट्सएप के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए यहां पे देखिए मैंने अप्लाई का बटन जो यहां पे दिया हुआ था उसको मैंने क्लिक किया है और आगे कुछ डिटेल्स हमें फिल करने के लिए यहां पे ऑप्शन आएंगे। अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होता है, उसके बाद से यहां पे आपका पैन नंबर, पैन पे जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको फिल करना होता है, उसके बाद से लास्ट नेम, यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहां पे आपको पिन कोड अपना फिल करना होता है और फिर सिटी, उसके बाद से आपको कंटिन्यू करना होता है। सो इसके थ्रू आगे कुछ और डिटेल्स आपसे बैंक मांगता है और वो डिटेल्स मांगने के बाद से आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी की सारी जो भी चीजें होती हैं करने के बाद से फाइनली आप इस लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। और अप्लाई करने के बाद से आप अपना ये वाला जो लिंक दिया हुआ है ट्रैक माई एप्लीकेशन, इसके थ्रू आप अपने लोन का जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आखिर वो लोन जो आपका एप्लीकेशन है कहां तक प्रोसेस हुआ है। साथ ही अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो यहां पे केवल आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालते ही आपके जो भी डिटेल्स हैं यहां पे वो जो है कि ऑटोमेटिकली वहां पे सामने आ जाएंगे, उसके थ्रू आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स यहां पे हम आ चुके हैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आप जैसे ही टाटा कैपिटल का जो वेबसाइट है आप उसको ओपन करते हैं तो सामने इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आती है, जहां पे हमें क्या करना है, हमें पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे यहां पे क्लिक करना है। सो हमने क्लिक कर दिया यहां पे। क्लिक करने के बाद से नीचे यहां पे अप्लाई ऑन व्हाट्सएप का आपको एक बटन यहां पे दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं इस पे हमें क्लिक करना है। सो हमने इस पे क्लिक किया और ये क्लिक करते ही हमें व्हाट्सएप चूज करने का यहां पे ऑप्शन आता है जो भी हमारे मोबाइल में होता है, अगर चूंकि हमारे मोबाइल में यहां पे 2 व्हाट्सएप मैं चला रहा हूं। ओके सो आप देख सकते हैं यहां
ऑलरेडी प्री टाइप्ड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि हाई आई वांट टू अप्लाई फॉर टाटा कैपिटल पर्सनल लोन, तो हमें इसको सेंड कर देना है वहां पे। भेजने के बाद से यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आता है कि आई कैन हेल्प यू विद द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई फॉर अ लोन, अप्लाई फॉर अ लोन यहाँ पे दिया हुआ है। सो उस पर हम क्या करते हैं, उसका दो नंबर है तो दो नंबर हमने यहाँ पे चूज कर लिया। दो नंबर चूज करने के बाद से नीचे आप देख सकते हैं यहाँ आ गया हमें किस लोन के लिए, किस तरह के लोन के लिए अप्लाई करना है। सो हमें यहाँ पे चूज करना है पर्सनल लोन। सो एक नंबर पे दिया हुआ है तो एक नंबर हमने क्या कर दिया, हमें यहाँ पे एक नंबर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद से यहाँ प्लीज वेट का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। सो देखते हैं आखिर आगे क्या आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आगे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी नेम है नेम आपको डालना है। नेम डालने के बाद से आपके अदर जितने भी डिटेल्स हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से आपका ईमेल आईडी और कुछ डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से फाइनली आपका जो लोन एप्लीकेशन है इसके थ्रू अप्लाई आप कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, डेफिनेटली हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।